क्या आपको बात करने में हिचकिचाहट होती है? दोस्तों या अनजान के सामने बात करते वक्त सोचना पड़ता है? क्या आप पार्टी में अकेले बैठे रहते हैं? हेलो हाय के आगे क्या बोलना है ये नहीं पता? नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक की समरी लेकर आए हैं, जिसमें ऑथर ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बताया है कि कैसे बात करनी है। दोस्तों, हम सबको पता है कि बातचीत एक कला है, लेकिन हमें लाइफ में कहीं भी यह कला सिखाई नहीं जाती, न ही स्कूल में और न ही कॉलेज में। कितनी बार हम किसी पार्टी में जाते हैं तो अकेले बैठे रहते हैं, कोई साथ बैठा हो तो उससे बात शुरू नहीं कर पाते। कई बार तो सोचते हैं बात किस टॉपिक पर करें, या यह भी सोच लेते हैं कि शायद सामने वाले को बात करना पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब चाहते हैं कोई उनसे बात करे, लेकिन बातचीत करे कैसे रियलिटी में यह किसी को पता नहीं होता। इस किताब की समरी में दिए 92 टिप्स पढ़कर आप एक स्किल स्पीकर बन सकते हैं। लोग आपसे घंटों बात करना चाहेंगे और आप दोबारा नहीं सोचेंगे कि क्या बात करूं। पार्ट फर्स्ट, बिना एक भी शब्द बोले दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कैसे करें। इस पार्ट में 10 टेक्निक्स दी गई हैं, जो आप शुरू के सिर्फ 10 सेकंड में यूज करके सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट, फ्लरिंग स्माइल। जैसे ही आप किसी से मिलते हैं, पहले 2 मिनट तक उन्हें गौर से देखें, घूरना नहीं है। फिर उन्हें एक लंबी चौड़ी स्माइल दे, इसे ही फ्लडिंग स्माइल कहते हैं। इससे सामने वाला भी आपको देखकर स्माइल करेगा, क्योंकि स्माइल कॉन्टेजियस होती है, इससे आपका उसके साथ इंस्टेंट कनेक्शन बन जाएगा। सेकेंड, यूज योर आईज। सामने वाले से हमेशा आंख मिलाकर बात करें, इससे आप उसे कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। थर्ड, स्टिकी आईज। अगर आप किसी झिझक की वजह से सामने वाले से आंखें नहीं मिला पाते हैं तो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इमेजिन करें कि आपकी आंखों में गोंद लगी हुई है, अब उन्हें सामने वाले की आंखों से चिपका कर रखें। फोर्थ, इपॉक्सी आईज। आप जिसे इम्प्रेस करना चाहते हैं उससे आंखें मिलाकर बात करें। अगर कोई और भी उससे बात करने लगता है तब भी आप उन्हें ही देखें, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतें। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें अपना दोस्त मान रहे हैं, वह भी आपको ज्यादा ध्यान देंगे। फिफ्थ, बॉडी पोस्चर। अपने चलने और खड़े होने के अंदाज पर भी ध्यान दें। आपका सिर सीधा तना हुआ होना चाहिए, कंधे थोड़े पीछे की ओर और पेट सीधा रखें। इससे आप काफी कॉन्फिडेंट और आकर्षक नजर आएंगे। सिक्स्थ, बिग बेबी। सामने वाले को बड़े बच्चे की तरह देखें। इससे आप लव एंड हार्मनी से भर जाएंगे और उससे बहुत जिंदा दिली से बात करने लगेंगे। सेवन, ओल्ड फ्रेंड टेक्निक। अजनबी से बात करने में झिझक हो रही हो तो ऐसा सोचे कि वह आपका कोई पुराना दोस्त है, फिर उससे उसी अंदाज में मिले जैसा आप अपने दोस्तों से मिलते हैं। सामने वाला भी आपको उसी अंदाज में मिलने पर मजबूर हो जाएगा। एट, डोंट फिजेट। बात करते हुए रेस्टलेसनेस और एक्साइटमेंट न दिखाएं, इधर उधर खुजली भी न करें। इससे सामने वाला आपको गवार समझेगा और उसका आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। नाइन्थ, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को नोट करते रहें। अगर आपकी बातों से वह ऊब रहा हो तो टॉपिक चेंज करके उसके इंटरेस्ट की बात करें। टेंथ, अगर आपको किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा हो तो इमेजिन करें कि आप कोई सेलिब्रिटी या अच्छे स्पीकर हैं। आपका ब्रेन वैसा ही हो जाएगा और आपको बात करने में काफ़ी आसानी होगी। पार्ट टू, गपशप। सामने वाले के मूड को मैच करें। अगर वो गंभीर हैं तो आप भी गंभीरता से बात करें, अगर वो मजाक के मूड में हैं तो आप भी मजाक करें। एकदम से बहुत ही ज्यादा लिटरेचर फिलोसफी से भरी बातें ना शुरू कर दें, पहले किसी इंटरेस्टिंग न्यूज या ताजा घटना पर बात करें। 12th, कुछ ऐसा पहने कि लोग खुद आकर पूछें कि यह क्या है, कहां से लिया है। अगर दूसरे ने ऐसा किया है तो आप भी उससे इस बारे में पूछ सकते हैं। जिससे आपको बात करनी हो उसके बारे में पहले दूसरे से पूछ लें, उसके इंटरेस्ट के बारे में पहले ही जान लें।
इससे बात करने में आसानी होगी। अगर कोई किसी दूसरे से बात कर रहा हो और आपको उससे बात करनी है तो बोले, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बोलते हुए सुना, और फिर बात शुरू कर दे। इससे दूसरा आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएगा। 15. कोई पूछे कि आप कहाँ से हो तो कभी भी एक वर्ड का आंसर देकर चुप न हो जाए। पूछे, क्या आपको पता है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहाँ है या झीलों का शहर कौन सा है। इस तरह कुछ विट और सस्पेंस के साथ बताएं। बोरिंग लगने वाले क्वेश्चन का भी इंटरेस्टिंग जवाब दें। 16. ऐसे ही कोई पूछे कि आप क्या काम करते हैं तो भी ऊपर वाला ट्रिक यूज करें। सामने वाले को एंटरटेनमेंट भी होगा और वो आपसे घुल मिल भी जाएगा। 17. कभी किसी को इंट्रोडक्शन सीधा उसका नाम बता कर न दे, बल्कि पहले कुछ सस्पेंस डाले, जैसे, क्या आपको पता है शहर में सबसे अच्छा पिज्जा कहाँ मिलता है, ये उसी रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर XYZ हैं। 18. स्पाइक की तरह दूसरों के शब्दों को पकड़े। उन्होंने जो इंटरेस्टिंग शब्द यूज किए हों उनको ही बातचीत का टॉपिक बना ले। 19. बातचीत का फोकस सामने वाले पर रखे, न कि खुद पर। इससे सामने वाला आपसे घंटों बात करना चाहेगा। 20. पैरिस टेक्निक। सामने वाले ने जो बात की है उसके लास्ट के 2-3 शब्दों को बार बार बोलकर क्वेश्चन की तरह पूछे। इससे बातचीत एकदम से खत्म नहीं होगी और चलती रहेगी। 21. बातचीत को लंबा करने के लिए दूसरों से कोई किस्सा या कहानी सुनने के लिए कहिए। इससे माहौल काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 22. अगर आपसे कोई आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस पूछे तो सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बताएं। नेगेटिव बातें या दूसरों की बुराई कभी न करें। इससे आप कमजोर नजर आएंगे। 23. लेटेस्ट न्यूज। कभी भी किसी पार्टी या गैदरिंग में जाएं तो उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़कर जाएं या मोबाइल पर ही न्यूज चेक करके जाएं। इससे आपके बातचीत के टॉपिक्स कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन समझदारी बरतें, दूसरों को बोर न करें। 24. सामने वाले से ये न पूछे कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये पूछे आप अपना समय कैसे बिताते हैं। वह खुद ही आपको अपने प्रोफेशन के बारे में बता देगा। अगर सामने वाला आपसे पूछे कि आप क्या करते हो तो आप इस तरह बताएं कि सामने वाले को लगे कि आपसे उसे बहुत फायदा मिलेगा। 25. खुद को एनालाइज करें और देखें कि आप सबसे ज्यादा कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हो, फिर डिक्शनरी में उनके अल्टरनेटिव ढूंढें, क्योंकि एक जैसे शब्दों से सामने वाला बोर हो जाता है, जबकि नए शब्दों से सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाता है। 26. टॉप 20 idioms याद करें और उनमें से 1-2 बात चीत में यूज करें। इससे हर कोई आपको याद रखेगा, क्योंकि idiom उसके जहन में गहरी छाप छोड़ेंगी। 27. मी टू। कभी भी एकदम से अपना स्वार्थ जाहिर न करें, जैसे अगर आपको सामने वाले से हेल्प लेनी हो तो 2-3 बातों के बाद ही हेल्प मांगने न लग जाएं। पहले एक अच्छा रिलेशन बनाएं। जब ऐसा हो जाए तब आप अपनी बात रख सकते हैं। पहले सामने वाले को खुलकर बोलने का मौका दें। 28. कॉम्प्लीमेंट। हमेशा सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दें। अगर कपड़ों पर न दे पाए तो उसके नेचर की तारीफ करें। 29. द एक्सक्लूसिव स्माइल। हमेशा एक जैसी स्माइल न दें। अगर एक व्यक्ति को अलग मौके पर मिले तो थोड़ा अलग तरह से स्माइल करें, नहीं तो सामने वाले को आपकी स्माइल बनावटी लगेगी। 30. घिसे पिटे डायलॉग्स, मुहावरे, चुटकुले या शेर कभी न बोलें। इससे लोगों को आप स्टूपिड नजर आएंगे। 31. कुछ चुनिंदा किस्से या मोटिवेशनल स्टोरीज जरूर याद करें और मौके आने पर सुना दें, लेकिन वे ऐसे हों जो आज तक किसी ने ना सुने हों। 32. कभी किसी को मस्का न लगाएं। कभी भी झूठी तारीफ न करें, ईमानदारी से तारीफ करें, नहीं तो लोगों को आप चापलूस लगेंगे। 33. खुद को स्मार्ट जताने के लिए ग्रुप के किसी भी आदमी का मजाक न उड़ाएं। अक्सर लोग किसी कमजोर को बकरा बनाकर उसका मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन इससे समझदार लोग समझ जाते हैं कि आप फेक हो, आप में वैल्यूज नहीं है। वे सब आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे,
लेकिन आपके बारे में ओपिनियन बन जाएगा और आप उनकी नजरों में कभी चढ़ नहीं पाओगे। 34. सामने वाले के सेंटीमेंट्स को समझकर बात करें। अगर वे किसी बुजुर्ग पर दया दिखा रहे हैं तो आप भी वैसा करें, इससे उन्हें आप लाइक माइंडेड लगेंगे। 35. अगर आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछे तो आप उसका कोई प्रोफेशनल उत्तर दें और हर बार वही उत्तर दें, इससे सामने वाला खुद ही चुप हो जाएगा। 36. अगर किसी सेलिब्रिटी से बात करें तो उन्हें ज़रूर बताएं कि उनके काम से आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली, लेकिन यह झूठ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही किसी कंपनी के CEO से बात करते समय उन्हें बताएं कि उनकी कंपनी में काम करने से उन्हें बहुत खुशी हुई। 37. कभी भी सिर्फ थैंक यू न बोलें, उसके साथ सामने वाले ने जो हेल्प की है उसका भी जिक्र करें। इससे सामने वाले को आपकी बात देर तक याद रहेगी, क्योंकि इससे आप उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाएंगे। 38. जिंदगी में कुछ अलग चीजें करें, ऐसी चीजें जो आपने आज तक न की हो, जैसे कि कहीं ट्रैकिंग पर जाएं या नई जगह ट्रैवल करें। इससे आपके बातचीत के बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हो जाएंगे, क्योंकि जब आप लोगों को अपनी ट्रैवल के किस्से बताएंगे तो उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगी और वे भी बहुत ही उत्सुक होकर आपकी बात सुनेंगे। 39. कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं तो पहले अपना होमवर्क करके जाएं, कंपनी का प्रोफाइल चेक कर लें, इससे आपके इंटरव्यू में डेप्थ आ जाएगी। 40. यह भी पता करें कि आजकल उस कंपनी में हॉट टॉपिक या इश्यू क्या चल रहा है, शायद वे आपसे उसी बारे में बात करें। 41. बहुत बार लोगों के किसी इंडस्ट्री पर ब्लॉग्स या यूट्यूब चैनल भी होते हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि ब्लॉग या यूट्यूब चैनल में लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए होते हैं, इससे आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल सकता है। 42. अगर कहीं की यात्रा कर रहे हो तो पहले उनके कस्टम्स के बारे में पढ़ें, वे लोग आपके थोड़े से ज्ञान से भी इम्प्रेस हो जाएंगे और आपको और बताने लग जाएंगे, इससे बातचीत भी स्मूथली चलेगी। 43. किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना हो तो पहले उनकी लैंग्वेज सीखे, हर इंडस्ट्री की अपनी लैंग्वेज होती है, इससे लोग जल्दी से आपसे घुल मिल जाएंगे। 44. जिन लोगों को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं उनका बात करने, चलने फिरने, उठने बैठने के तरीके को स्टडी करें और फिर उनके जैसा ही बिहेव करें, वे आपको अपना जैसा समझेंगे और आपसे ज़्यादा खुलेंगे। 45. उन शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जो दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी लोग आपके करीब आएंगे। 46. बात करते समय किसी कॉम्प्लिकेटेड बात को समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल ज़रूर दें। 47. बात करते समय केवल हूँ हाँ ना करें, बल्कि कंप्लीट सेंटेंस में बात करें, नहीं तो लोगों का आप में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। 48. अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बताए तो पहले उसे सिंपैथी दे, फिर कोई सॉल्यूशन ऑफर करे, इससे आप दोनों का कनेक्शन गहरा होगा। 49. अगर किसी से इंटीमेट कनेक्शन बनाना हो तो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस न करें, बल्कि दूसरे व्यक्ति के ओपिनियन की कदर करें, क्योंकि ओपिनियन मैच न होने पर वह आदमी आपसे दूरी बना लेगा। 50. अगर किसी के साथ कभी किसी ओकेजन पर मिले हो तो उस वक्त के किसी मजेदार किस्से का जिक्र करें, इससे सामने वाला भी इन्वॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप लेके आए हैं, जिसमें आप कहीं से भी चलते फिरते ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इस बुक की ऑडियो बुक समरी भी आप कुकू FM ऐप पर सुन सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि आप दुनिया की बेस्ट किताबों को सिर्फ हिंदी में ही नहीं, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी सुन सकते हैं। इससे आप सबको वो नॉलेज मिलेगी जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कुकू FM ऐप पे आपको 10,000 से भी ज़्यादा बुक समरीज मिलती हैं, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी और आपके गोल्स को अचीव करने में मोटिवेट करेगी। इंडिया की बेस्ट ऑडियो बुक समरी ऐप कुकू FM को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 50% ऑफ पाने के लिए DVOBF3577 कूपन कोड जरूर यूज करें। पार्ट 3, जल्दी दोस्ती।
51 लोगों के सामने ही नहीं उनकी पीठ पीछे भी तारीफ करें। पीठ पीछे की गई तारीफ ही लोगों को ईमानदार तारीफ लगती है। अगर कोई बताए कि आप उनकी तारीफ कर रहे थे तो वे आपको सच्चा व्यक्ति मानेंगे और इससे आप दोनों में दोस्ती कायम होगी। 52 बुरे वक्त में दूसरों को अच्छी खबर सुनाएं, उनका हौसला भी बढ़ाएं। 53 किसी की भी बुराई न करें। 54 बात करते हुए हमेशा क्वालिटी वाली चीजों में ही इंटरेस्ट दिखाएं। घटिया और सस्ती चीजों की तारीफ न करने लगे, तभी आपको मैन ऑफ ग्रेट टेस्ट समझा जाएगा। 55 कभी काम की बात करते हुए भी तारीफ कर दे, जैसे आप तो इतने फिट हो, आप यह काम आसानी से कर लेंगे। 56 डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट तभी दे जब दूसरे ने सच में ही कोई तारीफ वाला काम किया है और यह दिल से करे। 57 जब कोई छोटा सा काम भी कर दे तो भी उसकी अच्छी से तारीफ करे, इससे वो आपकी और सहायता करना चाहेगा। 58 कोई जब काम कर दे तो तारीफ उसी समय करे, देर करेंगे तो फिर उसके मायने नहीं रहेंगे। 59 अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप उसका धन्यवाद करें और बदले में उसकी भी इसके लिए तारीफ कर दे। 60 लोगों से पूछे कि अपनी कब्र पर क्या लिखवाना चाहते हैं, जब वे बताएं तो उस पर ध्यान दे, क्योंकि लोग यह बहुत सोच विचार करके चुनते हैं, इससे आप उनकी लाइफ की फिलॉसफी को समझ सकते हैं। लेकिन ये टिप क्रिश्चियन लोगों के लिए ही है। पार्ट 4 फोन पर बातचीत। 61 फोन पर बात करते हुए चुपचाप न सुनते रहें, बल्कि बोलकर अपना रिस्पॉन्स दे। 62 बात करते हुए कई बार उस व्यक्ति का नाम लिया जाना चाहिए, इससे नजदीकी बढ़ती है। 63 फोन का जवाब देते वक्त पहले एक न्यूट्रल टोन में बात करें, लेकिन जब अपना नाम सुने तो खुश होकर बात करें। 64 अगर दूसरे के फैमिली मेंबर फोन उठाएं तो उनसे भी दोस्ती के अंदाज में बात करें। 65 हमेशा पूछें आप अभी बात करने के लिए फ्री हैं या क्या अभी बात कर सकते हैं। 66 अगर वॉइस मेल भेजनी हो तो अपनी ग्रीटिंग्स को शॉर्ट एंड सिंपल रखें। 67 अगर वॉइस मैसेज छोड़ना हो तो एक क्लियर एंड कॉन्फिडेंट मैसेज छोड़ें। 68 दूसरे कंट्री फ़ोन करना हो तो उनकी हॉलीडेज लिस्ट भी देख लें, फेस्टिवल्स पर ऑफिस वर्क में फ़ोन न करें। 69 हमेशा घर वालों के बारे में पूछें, इससे भी इंटीमेसी बढ़ेगी। 70 बेवक्त फ़ोन न करें। पार्ट 5 पार्टीज में बातचीत। 71 खाना खाते वक्त कोई भी हमें अप्रोच नहीं करना चाहता, इसलिए जिससे बात करनी हो उसके फ्री होने के समय में खाना न खाएं, आपको खाता देख वह आपसे बात करने नहीं आएगा। 72 जैसे ही कमरे में आए तो पहले दरवाजे पर रुकें और पूरे कमरे को स्कैन करें। 73 जिससे बात करनी हो उसे खुद चूज करें, यह न हो कि कोई बोरिंग आदमी आपसे आकर बातें करने लग जाए और आपका समय बर्बाद करें। 74 आपके खड़े होने का अंदाज भी मैटर करता है, हाथों को खुला रखें बांध कर नहीं, इससे आप फ्रेंडली लगते हैं। 75 लोगों की पिछली बातें याद रखें, उनका जिक्र करें, जैसे आपकी यात्रा कैसी रही या अब आपका हाथ कैसा है। 76 जिसे इंप्रेस करना हो उससे हुई बातचीत के नोट्स बना लें, जैसे उसे क्या पसंद है या उसने किस प्लान के बारे में जिक्र किया था एक्सेट्रा, इससे आपको उसकी बातें याद रहेंगी, फिर अगली बातचीत में उसका जिक्र करें, वह आपसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाएगा। 77 सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को भी समझें, फिर अपनी बातचीत का रुख वैसे ही चेंज करते रहें। 78 दूसरों की गलतियों को इग्नोर करें, उनका मजाक या अपमान न करें। 79 अगर कोई कुछ बोल रहा है और उसी बीच कोई रुकावट पड़ जाए तो उसके बाद उनसे पूछे फिर आगे क्या हुआ या आप कुछ बोल रहे थे। 80 अगर कोई मीटिंग करने जा रहा हो तो दूसरों को पहले ही हिंट दें कि इसमें उनको क्या फायदा मिलने वाला है।
81। अगर कोई अपना नंबर दे दे तो एकदम से ही फोन न करे, कम से कम एक दिन के बाद बात करे, इससे आप डेस्परेट नजर नहीं आएंगे। 82। एकदम से मौके का फायदा उठाने की ना सोचे, यह ना सोचे कि सामने वाला फ्रेंडली हो गया है, अब मैं अपनी बात रखता हूँ, इससे आप सिर्फ सेल्फिश और ग्रीडी नजर आएंगे। 83। अगर किसी से डिनर पर मिल रहे हो तो बिजनेस की बात भूल कर भी न करें। लोग डिनर फुर्सत में एंजॉय करने के लिए करते हैं, उस समय भी बिजनेस या काम की बातें करने लगेंगे तो वे आपको पसंद नहीं करेंगे। 84। पार्टी में अगर किसी से मिले तो एकदम से ही कोई फेवर या काम मांगने न लग जाए। पार्टी में लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, न कि लोगों द्वारा परेशान होने के लिए। 85। किसी से अचानक मिल जाए तो दोस्ती से भरी बातें करें, न कि काम की बात करने लग जाए या कोई काम मांगने लग जाए, इससे वे सोचेंगे आप शायद उन्हें स्टॉक कर रहे थे। शुरू में सिर्फ रिपोर्ट बनाने पर ध्यान दें, आप देखेंगे कि अगर उनका आप पर ट्रस्ट बन जाएगा तो वे खुद ही आपको काम के लिए पूछ लेंगे। 86। अगर कोई अपनी ज़रूरी बात रख रहा हो तो पहले उन्हें पूरा करने दें, उसके बाद ही अपनी बात रखें, दूसरों की बात कभी न काटें, उतावले न बने। 87। अगर कोई अपसेट हो तो उसके इमोशंस को समझें और उसके अकॉर्डिंग ही बात करें, ऐसा ना हो कि आप उसे ही दोषी ठहराने लगे। अगर वह गलत भी है तो बाद में इनडायरेक्टली सजेशन दे सकते हैं, शुरू में सिर्फ सिंपैथेटिक रहें। 88। अगर किसी की चीज तोड़ दें तो बाद में एक सुंदर सा रिप्लेसमेंट जरूर भेजें। 89। अगर किसी को कुछ करते हुए देख लें तो उन्हें खुद को सेव करने का मौका दें, न कि सबको बता दें या उनका मजाक बनाने लगे, इससे वे हमेशा आपकी इज्जत करेंगे। 90। किसी कर्मचारी का उसके बॉस को अच्छा फीडबैक दें, इससे वह हमेशा आपको क्वालिटी सर्विस देगा और रिस्पेक्ट भी करेगा। 91। सबसे पहले क्लैपिंग करने वाला बने और ऐसा जोश के साथ करें, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट भी सबसे पहले दें। 92। अपनी लिमिट कभी न क्रॉस करें, कई बार खामोशी का भी इस्तेमाल करना सीखें। तो दोस्तों, इस किताब में दिए गए 92 टिप्स के इस्तेमाल की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जल्दी ही आप एक मजेदार पर्सनालिटी बन जाएंगे और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, इससे आपका चरिश्मा और पर्सनालिटी दोनों ही निखर जाएंगे। न्यू बुक सजेशन के लिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।